ये देखिए ये क्या शानदार जगह बना रखी है, और यहाँ पे एक फोटो ले लेंगे। और वाओ, तो क्रेमिक ग्लेशियर्स में जा रहे हैं अभी, इसका गेट खोलते हैं और इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्रेमिक और जो ग्लेशियर्स रहते हैं वो दिखेंगे। वाओ, एंट्री करते देखिए आप, क्या शानदार है, देख सकते हो गाइस, क्या शानदार दिखा रहे हैं, बना रखा है। ये पूरा फ्लोरिंग टाइल, वॉल टाइल और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में प्लॉट वगैरह है, मतलब प्लेट प्लॉट वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये देख रहे हैं संरचना, वुमेन की संरचना कितनी शानदार है। बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। और एक बार मैं छत दिखाता हूँ, छत तो इनकी क्या शानदार, देखिए आप ये देखिए छत देख लिया आपने। आप छत के बाद में वापस नीचे ग्राउंड पे आते हैं और ये दिखा देता हूँ मैं आपको। एरोनट, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करता हूँ मैं बोल रहे हैं, तो आप उनको गलतियों को हटा के और इन सारी चीज़ों को देखना। मोर भी था, ये देखिए क्या शानदार है, वाओ दैट्स ग्रेट। क्या शानदार जगह है, देखिए आप क्या गजब है, वाओ। ग्लास मेटलिक कैसे काम करता है वो, इसका भी यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सारे हुए हैं, उसके बाद में देख सकते हो, मैं और फोटो खींच देता हूँ पहले। व्लॉग ज़्यादा बड़ो तो इसलिए हो सकता है दो पार्टों में डाल दूंगा मैं, ये दो या तीन पार्टों में डाल दूंगा, लेकिन इससे ये है कि सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सको और मैं जैसे देख रहा हूँ उस तरीके से देख रहा हूँ। जैसे ये वे सेक्शन खाली है तो इनमें भी कुछ बना रखा है इन्होंने। अब चलते लाइफ वाले सेक्शन में, लाइफ साइंस, सॉरी इसमें जाते हो अलग ही है भाई, दिखाता हूँ कैमरे से, सब्र करो। ये देखिए पत्थर वगैरह, हो गया तू वीडियो पूरी बना ली है सबकी। ये है अपनी पृथ्वी और ये है अपना पूरे, और इस पॉइंट पे हम हैं अभी, हमें यहाँ पे ये इंडिया का नक्शा है पूरा, इस पॉइंट पे है द्वारकाधीश, हमें इस जगह पे भी जाना है, इस जगह पे हम ही अभी हमें द्वारकाधीश, हम जयपुर से आए थे। तो आप देख सकते हो क्या शानदार जगह है, और अभी पता नहीं इसमें आवाज़ इसलिए होगी क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, स्कूल वाले बस लोग आए हुए हैं। ये भगवान बुद्ध वगैरह की मूर्ति वगैरह लगाई हुई है, ऊपर का जो सेक्शन है वो पूरा पैसे या टिकट लगेंगे सबके। अभी टिकट लेने के लिए हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं क्या है प्राइस वगैरह। अभी चलिए नीचे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और वहाँ से टिकट लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते थोड़ा सा और। लिख तो उसमें रखा है, पहले ही कर दी, दो बार गए थे तो हमने वहाँ पे भूल कर दी थी, तो अभी हमने इस बार भूल नहीं की क्योंकि बार बार आना नहीं होता, तो हमने टिकट ले लिए इसके और दो हम राइड करेंगे। उसके बाद में अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे कैफे भी है
अभी कुछ खा लेते हैं, उसके खाने के बाद फिर चलते हैं इन दोनों के। दो प्लेट और इसको पीते हैं, इसको तो पीते हैं और इसको खाते हैं जल्दी, देखते हैं कैसे है टेस्ट। गाइस अभी हम आ चुके हैं 3D वाले मोशन में और 3D का टिकट हमने लिया है और 3D के देखते हैं और चलते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम तीनों ही हैं अभी। पूरा हॉल हमने बुक करवा रखा है, देख सकते हो आप, पूरा हॉल बुक है और अभी हम सब यही तीन ही लोग हैं बस ओनली। अभी हम देखेंगे इसको, हाँ चलिए देखते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसको शेयर करेंगे जरूर जरूर। स्टार्ट। बच्चों को मजा आएंगे, बच्चे तो रोने लगे। डर गए तो मैं स्नो वाला लिया था और आप देख सकते हो इसमें स्नो वाले में हम आए और इस टाइप से बना रखा है पूरा। भाई गेट बंद करते लाला, इस पे जा सकते हैं क्या? जाने के लिए तो भाई इसके ऊपर चढ़ने का है, अब यही रहना है, इसके ऊपर ही तो रहना है। चलो इसके कुछ समझ आ रहा है क्या लाला? रिटर्न हो जाओ। रीजनल साइंस सेंटर घूमने के बाद में इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।